प्रतापगढ़ शहर की शास्त्री पेव के पास कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन विधायक प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने पिता काटकर के किया है। इस दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर कांग्रेस की रीति नीति एवं 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देने का आह्वान किया। मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों के बारे में आम जन को बताते हुए 25 नवंबर को अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। इस दौरान सभापति नीलोफर गोरी, उपसभापति अमित मराठिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, नगर अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, पूर्व प्रधान गणेश टाका, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, राजश्याम अग्रवाल, कांग्रेस नेता मोहम्मद बुद्धिस गोरी, पूर्व देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक लोगों ने विचार प्रकट किए। इस दौरान नरसाराम फलवाड़िया, धर्मेंद्र किलका, इकबाल खान धोलिया, सरला पांडे, लाल चंद बेदी, अनिल मिश्रा, पार्षद मधु बागरेचा, पार्षद लक्ष्मीपद प्रजापत, समीर पंडित, पार्षद सलीम खान, पार्षद विजय बटेश्वर, प्रदेश वाल्मीकि, शंकर स्वामी, मुकुल मिश्रा, आसिफ अली चौहान, अमजद खान कायम खानी, संजय आर्य, कन्हैया लाल माड़ी, असलम मोलानी, बजरंग सेन, विद्या प्रकाश बागरेचा, बिलाल भुट्टा, इशाद गोरी, सरपंच प्रतिनिधि आनंद सिंह, महावीर मंडा, रामनिवास गुर्जर सहित बंटी लाखन, मुराद खान ताजनान, राजेंद्र वेदी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहे। दूसरी ओर शास्त्री प्याव के पास रहने वाले लक्ष्मी नारायण बागड़ा अर्थात नीनू का विधायक मनोज मेघवाल ने कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, जिस पर कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि लक्ष्मी नारायण बागड़ा आरएलपी प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप के खास व्यक्ति माने जाते हैं। सुजानगढ़ में जो शहर का कार्यालय है उसको उद्घाटन में, क्योंकि परमानेंट जो कार्यालय चलता है वो भीड़भाड़ इलाके में शहर के व्यस्त में है, जहाँ की पार्किंग की समस्या रहती है, क्योंकि चुनावी टाइम में आवागमन ज्यादा रहता है, भीड़ ज्यादा रहती है। इसका अलग जगह जो पहले भी यहाँ पिछले 2 चुनाव में भी इसी जगह कांग्रेस का कार्यालय हुआ है, और कार्यकर्ता में उत्साह और जुनून जिस तरह से उनको पिछले 15-20 दिनों में जो हमारी टीम फील्ड में उतरी है, गांव में गई है, शहर की गली मोहल्लों में गई है, बूथ स्तर पर जो मीटिंग गई है, और वहां से जो उनको रुझान मिले हैं, जनता के जो भावना दिखी है इस सरकार को दोबारा रिपीट करने के प्रति, जो उत्साह मुख्यमंत्री जी के प्रति दिखा है, जो काम हमने 5 सालों में किया है उसका रेस्पॉन्स जो जनता में दिखा है उसको देख के वे सभी कार्यकर्ता में बहुत उत्साहित है, उनके चेहरे पर वो झलक रहा है। और आज जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आने वाले 15 दिन तक हम घर बैठने वाले नहीं है, गली मोहल्लों तक जाकर जो सरकार की योजनाएं जो हमने काम किए उसको पहुंचाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सुजानगढ़ शहर के चांदवास स्थित बालोदिया कॉलोनी के पास एक खेत में आग लगने से सूखी घास जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड के चालक साजिद खान ने बताया कि उनके पास बालोदिया कॉलोनी के पास एक खेत में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर फायरमैन भीमाराम, फायरमैन गणेश ने आग पर काबू पाया। आग लगने से खेत में सूखी घास जल गई। साजिद ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आग लगने की सूचना पर अनेक लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए।